हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स एंड फोमेनिया। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट बैसेट हाउंड डॉग ब्रीड। सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बैसेट हाउंड बेसिकली एक शॉर्ट लेग की डॉग ब्रीड है, जिसको छोटी टांगों वाला डॉग भी कहा जाता है, और ये हाउंड फैमिली से बिलोंग करता है। इसका ओरिजिन फ्रांस में हुआ। फ्रांस में इस डॉग ब्रीड को ब्रीड कराया गया फॉर द पर्पज ऑफ हंटिंग। ये एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है, जिसकी एवरेज हाइट 12 टू 15 इंचेस टॉल, और इसका जो वेट है दैट कैन बी 25 टू 34 केजी, 25 से 34 किलो तक इसका वेट हो सकता है। ये एक शॉर्ट कोट की डॉग ब्रीड है, जिसको डेली ग्रूमिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसका कोट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा बल्की होता है, बहुत ज़्यादा लटका हुआ होता है, और इसके काफ़ी लंबे कान भी होते हैं। बैसेट हाउंड एक मल्टी कलर डॉग है, जो कि काफ़ी कलर्स में आता है, लेकिन कॉमनली और जनरली जो बहुत ज़्यादा कलर इसमें पाया जाता है दैट इज़ ब्लैक, वाइट एंड टैन। इसका लाइफ स्पैन जो है दैट इज 10 टू 12 ईयर्स, और दे आर परफेक्ट फॉर फैमिलीज। फैमिली में रखने के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। दे आर वेरी जेंटल विद किड्स, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं। बच्चों का पूरा बिहेवियर ये बर्दाश्त कर सकते हैं विदाउट शोइंग दम एनी एग्रेशन। बच्चों को कोई एग्रेशन दिखाए बगैर ये उनका सारा बिहेवियर जो है उसको बेयर कर सकते हैं बिना उनको एग्रेशन दिखाए। बैसेट हाउंड इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेयर हैं, आपको ईजिली नहीं मिलेंगे। वेस्टर्न में इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बट इन एशियन कंट्रीज़ आपको ईजिली बैसेट हाउंड नहीं मिलेगा। इस डॉग ब्रीड का सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा शार्प होता है, और दुनिया के अंदर इन लोगों की जो रैंकिंग है शार्प सेंस ऑफ स्मेल में दैट इज़ ऑन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन केनल क्लब, इस डॉग ब्रीड को 1935 में ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया गया, और इसका जो रैंक है इन द AKC दैट इज़ 39। बैसेट हाउंड एक लो बजट डॉग ब्रीड है, जिसको आप इजीली रख सकते हो, भले आपके पास अच्छे पैसे हों या ना हो, आप इसको घर के खाने पे भी रख सकते हो, और इसको रखने के लिए आपको बड़ी जगह की भी ज़रूरत नहीं होती, आप इजीली इसको अपने घर में रख सकते हो। घर के अंदर भी इस डॉग ब्रीड को एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती, इनको सोना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, सो ये काफ़ी टाइम अपना सोने में ही बिताते हैं। उसके बाद अगर आप घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो बैसेट हाउंड को साथ लेके जा सकते हो, क्योंकि इनको घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दे लव टू गो आउटसाइड, इनको आउटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इस डॉग ब्रीड को आप अपने घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर आप इसको अपने घर में अकेला छोड़ोगे तो बैसेट हाउंड ईजिली डिप्रेशन में चला जाएगा, और हो सकता है आपका डॉग जो है वो बीमार पड़ जाए। तो इसको जब भी आपने रखना है अपने साथ रखना, क्योंकि इसका साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है, आप ईजिली इसको अपने साथ कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो, भले आप छोटे घर में रहते हो या किसी बड़े घर में। हिस्ट्री में इस डॉग ब्रीड को हंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, और ये डॉग ब्रीड अपने ओनर्स को ज़मीन में छुपे जानवरों का पता लगा के बताते थे कि फॉर एग्जांपल कोई जंगली खरगोश ज़मीन के नीचे छुप के बैठ जाते थे, तो बैसेट हाउंड बेसिकली उनको ढूंढ के निकालता था और अपने ओनर्स को इस चीज़ से अलर्ट करता था कि इस जगह पर वो जानवर बैठा हुआ है, तो तभी उनके ओनर्स जो हैं उस चीज़ को हंट कर सकते थे ईजिली। इसी तरीके से बैसेट हाउंड का यूज़ किया जाता था इन द हिस्ट्री। सो गाइज दिस वॉज समथिंग अबाउट बैसेट हाउंड डॉग ब्रीड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। लव यू ऑल।